जब भी दो देशों के बीच में सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है तो सामान लाने ले जाने के तीन ही मेजर तरीके होते हैं। या तो सामान ट्रेन से आता है, या प्लेन से आता है, और या फिर आता है शिप से। और जब सामान शिप के थ्रू आता है तब वह आता है ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर रखकर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि समुद्र के अंदर तो बहुत भयंकर भयंकर तूफान भी आते हैं, जिसकी वजह से ये शिप्स आगे पीछे और दाएं बाएं बहुत ही ज्यादा हिलते हैं, लेकिन फिर भी ये बॉक्सेस शिप से नीचे नहीं गिरते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये डब्बे नीचे गिरते क्यों नहीं है? अरे शिक्षा भैया, ये डब्बे ना लोहे के होते हैं और इन पर लगी होती है मैग्नेट, जिसकी वजह से ये आपस में चिपक जाते हैं, इसीलिए नीचे नहीं गिरते हैं। अबे धनिया, कोई मैग्नेट नहीं होती यार। देखिए बड़ी गजब की जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली में इन कंटेनर्स के चारों कोनों पर इस तरीके का डिजाइन होता है, इसमें ओवल शेप के होल्स होते हैं, और इन कंटेनर्स को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखा जाता है कि ये होल्स एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएं, और उसके बाद इनको ट्विस्ट लॉक मैकेनिज्म से लॉक कर दिया जाता है, और इसीलिए है नीचे नहीं गिरते हैं।